हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.4 ऑफ NBHM MSC 2018 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ओवर दियर रेस्पेक्टिव डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, उसके अंदर हमें फंक्शन दिया गया है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एन एक्स प्लस वन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आपका फ्रेंड्स एफ एक्स के इक्वल है। तो फ्रेंड्स, मैं एफ एक्स को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं ई की पावर एन एक्स से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहा हूँ और न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप e की पावर एन एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स e की पावर माइनस एन एक्स, और यहाँ e की पावर एन एक्स से डिवाइड करोगे तो वन प्लस e की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को यूज करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एफ एक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लिखता हूँ, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। फ्रेंड्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो आप एक्स बराबर जीरो यहाँ रख दो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो। तो सपोज करो आपने यहाँ रखा, तो जैसे ही आपने x बराबर जीरो रखा, ये टर्म वैनिश होगी, ये टर्म वैनिश होगी, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ गया, जीरो। जीरो अपॉन, जब आपने x को यहाँ जीरो रखा तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, ठीक है, क्योंकि e की पावर जीरो वन होता है, तो जीरो अपॉन टू क्या हो गया, जीरो। तो x इक्वल्स टू जीरो पर मेरा एफ एक्स क्या आ गया, जीरो। फ्रेंड, जब आपका x लेस देन जीरो होगा तो आपका e की पावर एन एक्स कहाँ टेंड करेगा, जीरो पर, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए मुझे इस वाली डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। जब आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो आपका e की पावर एन एक्स क्या हो रहा है, वैनिश, ठीक है। तो यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश, और ये भी क्या हो जाएगा, वैनिश। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, x, व्हेन x लेस देन जीरो। जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो e की पावर माइनस एन एक्स जीरो पर जाएगा, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अब मैं डेफिनेशन यूज़ करूँगा ये वाली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एन एक्स कहाँ चला गया, जीरो पर, तो ये टर्म वैनिश, ये टर्म वैनिश, तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस फंक्शन एफ एक्स की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो x लेस देन जीरो पर हर जगह कंटिन्यूस, x ग्रेटर देन जीरो पर हर जगह कंटिन्यूस, डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पर। जीरो पर क्या वैल्यू है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ जीरो रखो जीरो। राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ जीरो रखो जीरो। तो फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के इक्वल है, तो फंक्शन जीरो पर भी कंटिन्यूस हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसके अंदर हमारा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर यहां cos x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, cos x, और बाकी सब हम सेम तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे रब कर देता हूं। जब आप x को जीरो रखोगे तो आप यहां भी जीरो रख सकते हो, यहां भी जीरो रख सकते हो। x को जीरो रखा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपको यहां क्या मिल गया, जीरो, और ये किसके इक्वल हो गया, कोसाइन जीरो वन के इक्वल, वन अपॉन e की पावर जीरो क्या हो गया, वन, वन प्लस वन क्या हो गया, टू, तो हाफ। तो x बराबर जीरो पर हमारा एफ एक्स क्या आ गया, हाफ। अब जब आप x लेस देन जीरो रखोगे तो e की पावर एन एक्स वैनिश हो जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं इस डेफिनेशन को यूज करूंगा। तो अगर ये दोनों वैनिश हो गए तो क्या बचा, cos x अपॉन वन। तो x लेस देन जीरो पर एफ एक्स क्या हो गया, cos x। x ग्रेटर देन जीरो पर मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों टर्म वैनिश हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि x लेस देन जीरो पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन जीरो पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, बस हमें कहाँ देखना है, x बराबर जीरो पर। तो x बराबर जीरो पर क्या वैल्यू है, हाफ। अब x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कोसाइन जीरो क्या है, वन, एंड वन इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो हमारा फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है। अब ऑप्शन में अगर एक भी पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूअस मिल जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाल्स, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, यानी कि कौन सा फंक्शन हर डोमेन ऑफ डेफिनेशन पर
कंटिन्यूस है, तो हमारी जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑप्शन नंबर बी में वो एक्स बिलोंग्स टू आर है, बट जो हमारा फंक्शन है वो जीरो पर कंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो हम ऑप्शन नंबर बी टिक नहीं करेंगे। अब हम आते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो हमारा एफ एक्स है वो लिखा हुआ है फ्रेंड्स लिमिट एन स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ ई की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारा फंक्शन है इसे मैं दो तरीके से लिखता हूँ, देखो कैसे। एफ एक्स बराबर, सबसे पहले तो आप 1 अपॉन एन को यहाँ लेके आ जाओ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ e की पावर n कॉमन लेता हूँ और एक बार x की पावर n कॉमन लेता हूँ, तो लिमिट n स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी लॉगरिथम ऑफ मैंने क्या लिया e की पावर n कॉमन लिया, तो 1 प्लस x की पावर n अपॉन e की पावर n और बाहर क्या आएगा पावर 1 बाय n, ठीक है। और एक बार मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स x की पावर n कॉमन लूँगा, तो लिमिट n स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी लॉगरिथम ऑफ x की पावर n 1 प्लस। अब फ्रेंड्स जब मैंने x की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ से क्या बचेगा e की पावर n अपॉन x की पावर n और पूरे की पावर 1 बाय n, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो लिमिट n स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी, अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं एक बार पावर 1 बाय एन इस पे लगाता हूँ और इस पे लगाता हूँ, ठीक है। तो इस पे लगाया तो 1 बाय एन पावर यहाँ आ गई और इस पर लगाया तो केवल ई बचा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 1 बाय एन पावर यहाँ लगाई तो एक्स बचा और यहाँ लगाई तो पावर 1 बाय एन बच गई। अब हम जानते हैं लॉग ए इन टू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये क्या हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ ई प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एन की पावर 1 बाय एन, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा लिमिट एन स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस ई की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन, जिसे मैं लिख रहा हूँ ई अपॉन एक्स की पावर एन की पावर 1 बाय एन, ठीक है। तो ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब मुझे जहाँ जिस तरीके से नीड होगी मैं उस तरीके से अपने फंक्शंस को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको रब कर रहा हूँ और एक इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं केस नंबर 1 लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, केस की बजाय मैं एफ एक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, व्हेन एक्स इक्वल्स टू ई, और एक केस में जब आपका फ्रेंड्स एक्स जो है आपका 0 से लेकर ई तक है और एक केस में जब आपका एक्स ग्रेटर देन ई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब आपका x 0 से लेकर e होगा फ्रेंड्स, तो जब आपका x 0 से लेकर e में बिलोंग करेगा तो आप देख सकते हो कि आपका जो x अपॉन e है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने एक इक्वेलिटी नहीं लगाई, तो x अपॉन e मेरा क्या आ गया हमेशा लेस देन 1। तो x अपॉन e की पावर n जो है फ्रेंड्स, जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो यह 0 पर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं कोई लेस देन 1 नंबर लिखूं और उसके ऊपर पावर n लगा दूं और n को इन्फिनिटी पर भेज दूं तो वो 0 आता है, जैसे हाफ की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा 0, ठीक है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो अब आप देखो कि जब ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी तो x अपॉन e की पावर n ये कहाँ जाएगा 0 पर व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अब हम इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो अब ये वाली टर्म क्या होने वाली है वैनिश, जब आपका n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैनिश हो जाएगा, और लॉगरिथम ऑफ 1 की पावर 1 बाय n, ठीक है, तो 1 की पावर 1 बाय n तो 1 ही होता है, ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा वैनिश। तो हम देख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू केवल क्या बच जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉगरिथम ऑफ ई, और लॉगरिथम ऑफ ई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, जब कुछ नहीं लिखते तो हम बेस ई मानते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स 1, ठीक है। तो इस वाले केस में आप लिख दो 1, और जब आप केस उल्टा कर दोगे यानी कि जब आप x को ग्रेटर देन e लिख दोगे, जब आपका x ग्रेटर देन e हो जाएगा तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो e बाय x है, ठीक है, वो लेस देन 1 हो जाएगा।
तो अगर आप e by x की पावर n लगा दो और n को इन्फिनिटी पर भेज दो तो ये वाली टर्म कहाँ पर जाएगी, जीरो पर, ठीक है। तो यानी कि अब जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखूंगा x ग्रेटर देन e पर, तो ये वाली टर्म क्या हो रही है मेरी, वैनिश। तो इसको वैनिश कर दो। अब आप देख सकते हो 1 की पावर 1 बाय n तो क्या होता है 1, और लॉगरिथम ऑफ 1 क्या होता है 0, तो क्या बच जाएगा, केवल log x। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log x क्या होता है, log x, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ तो n है ही नहीं, तो x ग्रेटर देन e पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, log x, ठीक है। अब जब आपका x e के इक्वल है तो आप e के इक्वल तो कहीं भी रख दो, सपोज करो मैंने यहाँ रख दिया, तो लॉगरिथम ऑफ e प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो आपको लिखना ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस e अपॉन e क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आपका e अपॉन e किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, और 1 की पावर n क्या होता है 1, ठीक है, तो 2 की पावर 1 बाय n हो जाएगा। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे फ्रेंड्स तो 2 की पावर 1 बाय n कहाँ पर जाएगा 1 पर, क्योंकि 1 बाय n कहाँ पर जाएगा 0 पर, 2 की पावर 0 1, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और लॉगरिथम ऑफ e क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर e पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आप देख सकते हो कि x ग्रेटर देन e पर तो ये हमेशा कंटिन्यूस है, और x की वैल्यू 0 से लेकर e है तब ये भी हमेशा कंटिन्यूस है। डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, x बराबर e पर, तो e पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ e रखो, लॉगरिथम ऑफ e क्या आ गया 1, फंक्शन वैल्यू क्या है 1, फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, यानी कि हमारा जो फंक्शन है फ्रेंड्स ये एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।